हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन ए बाई के कुछ न्यू अपडेट के बारे में, जहां पे दोस्तों आपको कुछ न्यू अपडेट देखने को मिल रहा है पेन ए बाई की तरफ से। क्या अपडेट है इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि अपडेट किस किस चीज़ के बारे में है। तो दोस्तों, अपडेट है वर्चुअल कार्ड के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, ट्रेवल सर्विस के बारे में और साथ में लोन के बारे में। तो इन सभी पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले अपने पेन ए बाई रिटेलर ऐप में और करते हैं इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको सभी अपडेट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो हमारा पहला अपडेट है वो दोस्तों है कि मनी ट्रांसफ़र को लेकर है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मनी ट्रांसफ़र में आपको किस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, नए बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले हमेशा बेनिफिशियरी वैलिडेशन ज़रूर करें। तो दोस्तों, जब भी आप कोई आपके पास कोई नया कस्टमर आता है मनी ट्रांसफ़र के लिए, तो जब आप उसका KYC करते हैं या फिर उसका नंबर डाल कर जब आप उसका अकाउंट नंबर डालते हैं, तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियरी वैलिडेशन। तो अगर आप उस पर करेंगे तो उससे 100% ये हो जाएगा कि वो जो अकाउंट है वो उस कस्टमर का ही है। तो आप एक बार ज़रूर ऐसा करें कि सही बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र सुनिश्चित करने के लिए हर नए बेनिफिशियरी का बेनिफिशियरी वैलिडेशन ज़रूर पूरा करें। तो दोस्तों, आपको ये बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई न्यू कस्टमर आता है तो उसका बेनिफिशियरी वैलिडेशन ज़रूर करें जब भी वो मनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए आता है तब। और उसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ट्रेवल सेवाएँ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेन ए बाई में हर रोज़ आपको ट्रेवल सेवाओं के लिए हर एक दिन न्यू से न्यू अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो कि है खुल चुका है पूरे अच्छे तरीके से, नहीं फिर भी लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उसी यात्रा को देखते हुए यहाँ पे जो कि है एयर टिकट बुकिंग और ट्रेन टिकट बुकिंग चालू हो चुका है। तो अगर आपके पास ट्रेन टिकट बुक करने का आईडी नहीं है तो आप पेन ए बाई के ज़रिए उसकी भी आईडी ले सकते हैं और फ्लाइट टिकट बुकिंग आप यहां से कर सकते हैं। उसकी सेवाएं आपको इसमें दी गई है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और साथ में आपको इसमें कमीशन भी मिलता है। तो उसी को देखते हुए यहां पे पेन ए बाई आपको ट्रेवल सेवाओं के बारे में हमेशा जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा है, पेन ए बाई के साथ अपने ग्राहकों को सबसे बेहतरीन दरों में ट्रेवल सेवाएँ सेवा ट्रेवल बुकिंग सेवा उपलब्ध कराएं। किफ़ायती दरों में फ्लाइट और रेलवे टिकट दिलाकर अपने एरिया के सबसे लोकप्रिय ट्रेवल एजेंसी बनाएं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि आप भी फ्लाइट टिकट बुकिंग और रेल टिकट बुकिंग अगर नहीं करते हैं तो करना चालू कर दें, और आप इससे भी अच्छा खासा इनकम जो है कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इंश्योरेंस को लेकर पेन ए बाई हमेशा आपको अपडेट देता रहता है। यहाँ पे आप पेन ए बाई में बाइक इंश्योरेंस, सेविंग इंश्योरेंस खाता, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हॉस्पिटल और COVID-19 इंश्योरेंस, सभी इंश्योरेंस इसमें शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक POS एजेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई कर दें। वहाँ से आप जो कि है बाइक इंश्योरेंस और सेविंग इंश्योरेंस खाता आसानी से बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको POS एजेंट का जो कि है ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ से आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, हम एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों लोन के बारे में। तो आप यहाँ से अपने सोने के जेवर रख के लोन ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप इसके यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, वरना आपको
अच्छे से जानकारी चाहिए और भी अच्छे तरीके से, तो आप इसके कस्टमर केयर में संपर्क कर सकते हैं। पेनीएवाई के कस्टमर केयर से संपर्क करके ये गोल्ड लोन के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बस बुकिंग का जो सेवा है यहाँ पे आपको मिल जाता है। एयर टिकट बुकिंग आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टिकट बुकिंग होता है इसके लिए आपके वॉलेट में जो कि ये पैसा होना चाहिए। तो यही था दोस्तों अपडेट, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।